आप देख रहे हैं एसकेके न्यूज। अंबेडकर नगर के लोरपुर ताजन का प्राथमिक पाठशाला की दुर्दशा सरकार के दावों की पोल खोलता नजर आया, जहां विद्यालय में मिलने वाले मध्याह्न भोजन में भी लापरवाही की जाती है। इस मामले को लेकर प्रधानाचार्य ने शिकायत करते हुए कहा कि शासन प्राइमरी स्कूल में ₹3.36 प्रति बच्चे के हिसाब से बजट भेजती है, ऐसे में बच्चों को अच्छा खाना कैसे खिलाया जाए। अंबेडकर नगर का RTO ऑफिस इस समय दलालों के चंगुल में है, जहां ऑफिस का सारा कार्य दलाल ही करते नजर आ रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि एक दलाल ने तो RTO द्वारा उनको भुगतान किए जाने की बात भी कही है। इन दलालों पर RTO भले ही कार्यवाही की बात करता हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि RTO के संरक्षण में ही दलाल फल फूल रहे हैं। इतना ही नहीं, वाहनों के प्रदूषण की जाँच भी कार्यालय के बाहर प्राइवेट में होती है। इसके बाद भी RTO पूछने पर सब कुछ ठीक होने के दावे करते हैं। अंबेडकर नगर में 3 दिवसीय अंबेडकर नगर महोत्सव का शुभारंभ हवाई पट्टी के मैदान में किया गया। इस कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रही। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक संजू देवी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से जिले में सांस्कृतिक प्रतिभाओं को आगे जाने का मौका मिलेगा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने भी महोत्सव आयोजन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर गजल गायक देवेश चतुर्वेदी ने अपने गीतों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। हाथरस के गांव नूरपुर में शादी के माहौल में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब समारोह में 2 युवकों ने देसी तमंचे से नशे की हालत में हर्ष फायरिंग की, जिससे वहां मौजूद एक महिला समेत 2 बच्चों को गोली लग गई। गोली लगते ही परिवारजन महिला और बच्चे को अस्पताल ले गए। इस दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। हमीरपुर और कानपुर की सीमा NH 86 पर एक मोरंग भरा ट्रक और सब्जी लेकर आ रहे ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस हादसे में दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। दोनों ट्रकों के ड्राइवर के साथ इस हादसे में एक सब्जी व्यापारी और बाइक सवार की मौत हो गई। इस घटना के बाद दोनों जिलों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शव को कब्जे में ले लिया और घायलों को जिला अस्पताल उपचार हेतु भेज दिया है।